भारत का चांद पर पहुंचने का सपना अब साकार होने जा रहा है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर उतरने की बस अब आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। असली चुनौती इसरो के लिए अब शुरू हुई है। जब तक लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो जाती, तब तक खतरा बना हुआ है। चंद्रयान 2 के समय भी विक्रम लैंडर चांद से बस चंद कदम पहले ही क्रैश हो गया था। साइंटिस्ट एम विनीता इसरो समेत पूरे भारत का सपना अधूरा रह गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन की कमान पी वुरमुथवेल ने संभाली और जरूरी बदलाव करने के बाद चंद्रयान 3 को मिशन पर भेजा गया। अब इसरो समेत पूरे भारत का अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी चुनौती अभी बाकी है। 18 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का असली सफर शुरू होगा और दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स ऑन किए जाएंगे ताकि लैंडर को सही दिशा मिलाकर स्पीड कम की जा सके। चंद्रयान की स्पीड इसलिए कम की जा रही है ताकि चांद की गुरुत्वाकर्षण बल लैंडर को अपनी ओर खींच सके। लेकिन लैंडिंग में चुनौतियां क्या है? पहली चुनौती, लैंडिंग अब चांद के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हद से ज्यादा हुआ तो ये अपनी ओर खींचने की बजाय ज्यादा खिंचाव के कारण चंद्रयान को चांद से और दूर भेज सकता है। दूसरी चुनौती, चंद्रयान 3 में जो GPS लगा है वो पृथ्वी से चांद के सफर में काम नहीं करता, वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ही काम करेगा। साउथ पोल पर ही GPS को एक्टिवेट किया जाएगा। तीसरी चुनौती, चंद्रयान 3 का पूरा नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। मैनुअली 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पूरे तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम होता है। जब तक लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं करता, तब तक इसरो की चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे में लैंडर सही काम किया तो 23 अगस्त को शाम 5 बजे चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके बाद रोवर रैंप से बाहर निकलकर 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा और ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा।